अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। केजीपी पर हुआ फिर सड़क हादसा, हादसे में टकराए 20 से 30 वाहन। बीएसएफ के पूर्व तेज बहादुर के बेटे ने खुद को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। 20,000 की रिश्वत लेते अत्याव्यासी क्षेत्राधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। करवदा एसीबी की टीम ने क्षेत्राधिकारी दीपक नामदेव रंगे हाथ पकड़ा है। अत्याव्यासी क्षेत्राधिकारी ने आदिवासी युवक कामू बेगा से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बता दें कि करवदा के जिला कलेक्टर के पहले तर्ज पर जिला के कार्यालय है। केजीपी पर फिर हुआ बड़ा सड़क हादसा, आपस में टकराए 20 से 30 वाहन, कई लोग हुए घायल। सोनीपत कोहरे के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से गाड़ियों से सवारियों को निकाला गया है और फिर घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर के बेटे ने खुद को मारी गोली। हत्या या आत्महत्या, यह घटना रेवाड़ी की दर्शाई गई है, जहां बीएसएफ ने खराब खाने को लेकर वीडियो जारी करने वाले और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले पूर्व जवान तेज बहादुर यादव के बेटे की मौत हो चुकी है। तेज बहादुर प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में गए थे, जबकि रोहित की मां ऑफिस गई थी। रोहित की मां ने जब घर वापस लौटी तो रोहित उसको खून से लथपथ पड़ा था और पास में रिवॉल्वर पड़ी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह कदम क्यों उठाया था रोहित ने। इसकी जांच फिलहाल काफी तेजी है।